अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 1.7 सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.7 में हमारे पास आज फोर मार्क्स रूल हम पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर ये 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास 9 मल्टीप्लाई बाय अंडर ब्रैकेट है एंड 9 माइनस 8 अंडर ब्रैकेट है एंड देन मल्टीप्लाई बाय 18। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में है हमारे पास डिविजन है, एडिशन, मल्टीप्लीकेशन और सब्ट्रैक्शन भी है। तो बोर्ड मार्क्स की मदद से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह की वैल्यूज की गई है जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और ब्रैकेट भी हो, तो वहाँ पे बोर्ड मार्क्स का रूल अप्लाई होता है ताकि हमें एक आंसर, एक्यूरेट आंसर मिल जाए इसका। स्टूडेंट्स, बोर्ड मार्क्स बी स्टैंड फॉर ब्रैकेट। सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, देन ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन मीन मल्टीप्लाई, एड, सब्ट्रैक्ट, डिविजन, इसी तरीके से ऑपरेशन होते हैं। Then division, उसके बाद हम सबसे पहले divide करते हैं, then multiplication, उसके बाद हम multiplication करते हैं, then addition, A stand for addition, add करते हैं, and S stands for subtraction, उसके बाद subtract करते हैं। तो हमारे पास ये board mass rule हमें ये सब बता रहा है। Student, उसके बाद हम question number 1 पर आते हैं, हम question number 1 solve करते हैं। सबसे पहले हम क्या है board mass में, तो सबसे पहले हम bracket solve करते हैं। 9 minus 8 हमारे पास 1 आ गया, देन वी विल मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 18, 1 18 जा 18 या 18 1 जा 18 आंसर आ गया हमारे पास। ये आंसर नंबर 1 आ गया स्टूडेंट्स। आंसर अब क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास यहाँ पे है कि डिफरेंट ऑपरेशन हो रहे हैं यहाँ पे। अब हम इन ऑपरेशन को किस ऑर्डर में करेंगे ये हम बोर्ड मास में देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हम बोर्ड मार्क्स में देखेंगे कि हमने ये जो ऑपरेशंस करने हैं, ऐड करना है, मल्टीप्लाई, सबट्रैक्ट, डिवाइड करना है, तो किन किस ऑर्डर में करना है। सबसे पहले हमने डिवीजन करना है, यहाँ पे जो बताया 60 डिवाइडेड बाय 2, 60 को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 8 16। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आंसर 8 आया है यहाँ पे। देन प्लस 5, देन मल्टीप्लाई बाय 4, देन माइनस 2। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कौन सा होगा, नेक्स्ट होगा हमारे पास मल्टीप्लीकेशन। 8 लेफ्ट टू राइट हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 4, 5 4 जा 20, देन माइनस 2। उसके बाद क्या है हमारे पास एडिशन, 8 और 20 को हमने ऐड करना है, 28 हो जाएगा। देन लास्ट में जो रह जाएगा वो हमारे पास क्या है, सब्ट्रैक्शन, 28 माइनस 2 26 हो गया हमारे पास, ये आंसर आ गया। ये हमने बोर्ड मार्क्स की मदद से इसका आंसर हमने फाइंड आउट कर लिया है, 26 इसका आंसर है। तो स्टूडेंट्स, ये बोर्ड मार्क्स इसलिए होता है हमारे पास एक एक्यूरेट आंसर आए और हम हमारा जब ऑर्डर ठीक होगा तो तब ही हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। अगर हम देखें स्टूडेंट्स, एक सपोज करते हैं हमने क्वेश्चन ये दोबारा लिखा, 16 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 2। इस क्वेश्चन को अब हम दोबारा सॉल्व करें बोर्ड मार्क्स का रूल इग्नोर करके, अपनी मर्जी से करने की कोशिश करते हैं, क्या हमारे पास आंसर 26 आता है, क्या हम पहले एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन कर दें उसके बाद मल्टीप्लाई उसके बाद डिवाइड करें। सबसे पहले हम बोर्ड मार्क्स का रूल हमने इग्नोर किया, अपनी मर्जी से हम 4 में से 2 माइनस कर रहे हैं, 2 आंसर आया है, देन 5 प्लस 2 हमने वैसे ही लिख दिया है, देन 16 से मल्टीप्लाई वैसे ही कर रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, अब उसके बाद सब्ट्रैक्शन हमने किया, उसके बाद हम कह रहे हैं कि हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 10 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 2 जा 10। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कह रहे हैं कि हम जो है अभी डिवाइड करेंगे, अब डिवाइड करेंगे, 16 को 2 से डिवाइड किया, 16 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर हमारा क्या आया था, आंसर आया था 8। ठीक है, ये 16 और ये 2, 2 वन से 2, 2 एट से 16, आंसर क्या आया था, 8 आया था। अब हम कहते हैं कि अब लास्ट में हम एडिशन करेंगे, तो 10 और 8 हमने ऐड किए तो 18 आंसर आया। क्या ये हमारे आंसर से मैच होता है जो हमने बोर्ड मार्क्स के रूल की मदद से किया था, बिल्कुल नहीं मैच होता। तो इट्स बीन कि अगर हमने बोर्ड मार्क्स के रूल को इग्नोर किया तो हमारा आंसर सब सबका डिफरेंट होगा
और किसी से हो सकता है कि सॉल्व ही ना हो और हमारा आंसर भी रॉन्ग होगा, इसीलिए तो बोर्ड मास्टर रूल दिया गया है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1-3 हो गया है हमारे पास, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2-5 ये आपके होमवर्क है, तो इनमें इनको भी इसी तरीके से आप करेंगे बोर्ड मास्टर रूल अप्लाई करते हुए सॉल्व कर लेंगे। स्टूडेंट्स होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, तो आज की वीडियो से इतना ही, अल्लाह हाफिज़।